द आर्कटिक होम इन दी वेदाज, ठीक, द इनसाइडर, द इनसाइडर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, माई ओन बॉसवेल, माई ओन बॉसवेल, ठीक है, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, और हार्ड चॉइसेस, हार्ड चॉइसेस, ठीक है, चलो, किसने लिखी, आर्कटिक होम इन दी वेदास, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, द इनसाइडर पी वी नरसिम्हा राव, पी वी नरसिम्हा राव, ठीक है, इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, यू आर यूनिक, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, सागा ऑफ प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, एक बुक यहाँ पे और लिख लो इनकी, विंग्स ऑफ फायर यहीं लिख लो, ताकि मैं कुछ बता दूंगा, कुछ दिमाग में आ रहा है मेरे, तो एक साथ ही बन जाएगा, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारी हैं, कह तो रहा हूँ आप जितनी याद कर सको, चेंजिंग इंडिया, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक, माई ओन बॉसवेल, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, बैक टू वर्क बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, एंड हार्ड चॉइसेस हिलैरी क्लिंटन, हिलैरी क्लिंटन, ठीक है, चलो, हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे, आर्कटिक होम इन दी वेदास, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे याद करो, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनकी फोटो जहन में आ रही होगी, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, ये क्या करते थे, तिलक लगाते थे, तिलक लगाते थे ना, ऐसा यू शेप का कुछ रहता था इनका तिलक, इससे याद कर लो, ठीक है, यू शेप का तिलक लगाते थे, बाल गंगाधर तिलक, इससे तिलक से याद हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, और आर्कटिक होम इन दी वेदास, अब वैदिक पीरियड में चले जाओ, ऐसे पुराना वेदास जो एक ठीक है, वेद, वेद जो होती है ना, जो अभी बस जो भी है, ऋग्वेद अथुर्वेद जो भी है, सामवेद, ठीक है, सारी चीजें उससे रिलेट करो, ठीक है, इनको, ठीक
सिर्फ मैं एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, वेदिक पीरियड या कुछ ऐसा वेदास से रिलेटेड आपको याद करने के लिए। तो उस वक्त जो लोग होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे भाई, जिन्होंने लिखी वेदास वेदास वो भी तिलक लगाया करते थे, है ना। तो मैं रिलेट कर रहा हूं बस ऐसी तिलक से। तो वेदिक पीरियड में लोग तिलक लगाया करते थे, तो तिलक से बाल गंगाधर तिलक, वेदास वेदिक से मतलब वेदास याद, वेदास लोग ऐसे याद कर लो, वेदास लोग तिलक लगाया करते थे। तो आर्टिक होम इन दी वेदास बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और वो आर्टिक होम मतलब उनका एक आर्टिक होम के आर्टिक रीजन के पास जो भी वेदास लोग रहा करते थे, ठीक है। अब इसको ऐसी कहानी बना लो, आर्टिक रीजन के पास जो भी वेदिक लोग रहा करते थे, वेदास लोग रहा करते थे, वो तिलक लगाया करते थे। तिलक से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और आर्टिक लोग आपको आर्टिक ये वर्ड ट्रिगर कर जाएगा, और वेदास वेदास लोग लिखकर जाएगा। तो द आर्टिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव क्या है भाई, ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो भाई ये अंदर के आदमी थे, खास आदमी थे, अंदर के आदमी क्या है, द इनसाइडर, अंदर के आदमी थे, ये खास आदमी थे भाई। जाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा वो इनसाइडर ही तो कहलाएगा भाई, आउटसाइडर तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो भाई ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो गवर्नमेंट के अंदर के आदमी थे, इनसाइडर इनसाइड के आदमी थे, तो इनसाइडर याद रखोगे। पीवी नरसिम्हा राव द इनसाइडर, द इनसाइडर किसने लिखी, पीवी नरसिम्हा राव, ओके। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इनको कौन नहीं जानता भाई, 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो भाई ये क्या थे भाई, भाई बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचते थे ना, फिलोसफी देते थे, इंडियन फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी थी इनकी कि भाई मेरा देश पढ़े, आगे बढ़े, एजुकेशन प्रमोट करे, ठीक है। तो भाई क्या है, फिलोसफी इनकी क्या थी, पढ़ाई को लेके थी ना, एजुकेशन से रिलेटेड फिलोसफी थी। तो फिलोसफी क्यों, किन बच्चों के लिए, इंडियन बच्चों के लिए, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी याद रखो, इस तरीके से फिलोसफी थी, किसकी फिलोसफी थी, पढ़ाई से रिलेटेड, ताकि बच्चे हमारे पढ़ सके, मुल्क हमारा तरक्की कर सके। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंडियन फिलोसफी, ठीक है। चलो अब एपीजे अब्दुल कलाम की यहाँ पे 4 बुक्स लिखी हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट, यू आर यूनिक, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। अब एक रॉकेट याद करो, ठीक है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना इनको, ठीक है भाई, एक रॉकेट जहन में लाओ, ठीक है, इस तरीके कोई रॉकेट, ठीक है, ये याद रखो, और ठीक है एक रॉकेट जहन में लाओ एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, ठीक है भाई, मिसाइल मैन साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब क्या होगा, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आग के पर, आग के विंग्स, बाजू, ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक रॉकेट का आग उगलता है ना नीचे से, ठीक है, तो क्या है, विंग्स ऑफ फायर, फायर की विंग्स निकल रही है, ठीक है। क्या है भाई, रॉकेट के पर क्या होते हैं, नीचे से आग निकल रही है, विंग्स ऑफ फायर, इससे आप याद करो, रॉकेट से रिलेटेड के विंग्स ऑफ फायर क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। दूसरी चीज, जब क्या नाम है, रॉकेट को इग्नाइट करते हैं ना भाई, इग्निशन तो चाहिए ना स्टार्ट होने के लिए, इग्निशन क्या है, आग का जलना, थोड़ा सा इग्निशन होने का, रॉकेट को इग्नाइट करना पड़ेगा, तो इग्नाइटेड माइंड में दिमाग आना चाहिए, माइंड में क्या आना चाहिए भाई, रॉकेट को स्टार्ट करना है तो इग्नाइट करना पड़ेगा, तो इग्नाइट, इग्नाइटेड माइंड्स, ऐसे भी याद कर सकते हो इसे, इग्नाइटेड माइंड्स। या फिर जब एक रॉकेट लॉन्च होगा, एक देश की तरफ से एक स्पेस मिशन लॉन्च होगा, तो फिर क्या होगा तो क्या होगा, लोगों के माइंड इग्नाइट होंगे, जागेंगे, क्या भाई मेरा देश तरक्की कर रहा है, तो मेरा जहन भी खुलेगा, माइंड इग्नाइट होगा। दोनों तरीके से याद कर सकते हो इसे, रॉकेट को माइंड में ट्रिक आनी चाहिए, क्या भाई रॉकेट तो बना लिया, लेकिन चलाने के लिए मुझे उसे इग्नाइट करना पड़ेगा, आग देनी पड़ेगी, तो इग्नाइटेड माइंड्स ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर जब रॉकेट लॉन्च होगा, एक स्पेस मिशन लॉन्च होगा सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो देश की तरक्की होगी, माइंड्स इग्नाइट होंगे, ठीक, और ये देश के हित में क्या होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा, होगा टर्निंग पॉइंट होगा, जब भाई तरक्की होगी तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा देश की डेवलपमेंट में, ठीक। तो आपने क्या याद कर लिया, रॉकेट से भाई आग के विंग्स निकल रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, माइंड इग्नाइट हो रहा है, या रॉकेट को इग्नाइट करने के लिए माइंड में ट्रिक आनी चाहिए, अगली भाई रॉकेट तो बना लिया, लेकिन अगली बात माइंड में क्या आनी चाहिए,
भाई रॉकेट को मुझे इग्नाइट करना है, लॉन्च करने के लिए इग्निशन देना है उसे, तो इग्निटेड माइंड्स। जब ऐसा मिशन लॉन्च होगा अपने देश की तरफ से, अपनी कंट्री की तरफ से, अपने मुल्क की तरफ से, वो देश के हित में क्या होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, क्या होगा, मेरा देश तरक्की करेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है, इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द सक्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपने तीन किताबें याद कर ली, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड टर्निंग पॉइंट। अब यू आर यूनिक, एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर अपने जहन में लाओ, कैसे थे वो, बहुत सिंपल थे, सादा थे, उनका एक अलग स्टाइल क्या था, सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी, उनका देखा होगा अपने तस्वीर, ठीक है, हेयर स्टाइल देखो उनका, सादा कपड़े पहनना इस तरीके से, तो भाई वो क्या थे, अपने आप में यूनिक थे, यू आर यूनिक, वो एक यूनिक पर्सनालिटी थे, बहुत सादा रहा करते थे, ठीक है, ना कोई दिखावा, इवन ये भी है कि लाइफ स्टाइल भी वो सादा फॉलो किया करते थे। देखो सैलरी से ही अपने, जैसे कि वो एज अ प्रेसिडेंट भी रहे हैं तो वो भाई खर्चा वहां से नहीं लेते थे, जैसे कि दो सूट रखा करते थे वो अपने पास, जो भी ऑफिसर उससे मिले होते थे, बाकी पर्सनल खर्चे पे कुछ करेंगे, उससे ज्यादा उनको रखते भी नहीं थे वो, और अगर वो अपने मेहमानों को या रिश्तेदारों को बुलाते थे तो वो अपने खर्चे पर बुलाया करते थे, ठीक है, ये नहीं कि सरकारी खर्चे पे बुला लिया, तो ये काफी यूनिक थे भाई, इनकी पर्सनैलिटी एक यूनिक थी, ठीक है, तो यू आर यूनिक, ये भी याद कर लिया आपने, एपीजे अब्दुल कलाम को, चार बुक्स, ठीक है, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर लो, मुझे इससे कोई ट्रिक नहीं आ रही, हाँ ऐसा बना सकते हो, एस 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 ऐसे बना सकते हो, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ट्रिपल एस किसने लिखी भाई, प्रणब मुखर्जी ने, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिपल एस, एस थ्री ट्रिपल एस, ठीक है, इस तरीके से। चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, क्या करना चाहते थे, ये भी क्या नाम है, इकोनॉमिस्ट हैं, क्या करना चाहते थे, इंडिया को चेंज करना चाहते थे अपनी पॉलिसीज के जरिए, ठीक है, अपनी नई नई पॉलिसीज इकोनॉमिस्ट के जरिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए इंडिया को चेंज करना चाहते थे, तो चेंज से याद करो, इंडिया को चेंज करना चाहते थे, तो चेंजिंग इंडिया, इससे याद करो, चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। माई ओन बॉसवेल, एम हिदायतुल्ला, इसको क्या, मेरा अपना बॉस, अगर मेरा अपना बॉस, क्या नाम है, अगर मैं अपने बॉस की हिदायत पे अमल करूंगा तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है, माई ओन बॉस वेल, ठीक है, मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा है, ठीक है, कैसे याद रखो भाई, मेरा बॉस, हिदायत देना, नसीहत देना, ठीक है, मेरा अपना बॉस, या ऐसे याद कर लो कि मेरा अपना बॉस जो मुझे हिदायत देता है ना, वो मेरे लिए अच्छी होती है, माई ओन बॉस वेल, या मेरा अपना बॉस मुझे बहुत हिदायत देता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, मेरा अपना बॉस मुझे बहुत हिदायत देता है, तो हिदायत से हिदायतुल्ला, माई ओन बॉस, मेरा अपना बॉस, माई ओन बॉसवेल, ठीक है, माई ओन बॉसवेल किसने लिखी है, मेरा अपना बॉस बहुत हिदायत देता है, माई ओन बॉसवेल, एम हिदायतुल्ला, ठीक है। बैक टू वर्क, बिल क्लिंटन, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, देखो बिल क्लिंटन को वो करो कि भाई बहुत जमाने में छुट्टी पे चले गए, चलो छुट्टी पे चले गए, अब क्या करें, काम पे वापस आ जाएं भाई, ठीक है, बिल क्लिंटन सोचा कि यार बहुत छुट्टियां मना ली हैं, अब बैक टू वर्क, बैक टू वर्क चले जाएं, बैक टू वर्क चले जाएं बिल क्लिंटन, ठीक, बैक टू वर्क बिल क्लिंटन ने लिखी है, या फिर इससे एसोसिएट कर लो, आज मैं अभी की कहानी से रिलेट कर रहा हूं भाई, लॉकडाउन हो गया भाई, पूरा साल निकल गया लॉकडाउन में, अब भाई कोरोना काल में लॉकडाउन में सारा काम खराब हो गया, क्या नाम है, सब कुछ बंद रही, अब बैक टू वर्क चले जाओ, बैक टू वर्क चल, बैक टू वर्क चलते हैं, तो बिल क्लिंटन क्या नाम है, लॉकडाउन में फंसे रहे, तो अब क्या सोच रहे हैं कि भाई अब लॉकडाउन खत्म हो गया है या कुछ है, तो भाई अब चलो बैक टू वर्क चलते हैं, बैक टू वर्क बिल क्लिंटन। हार्ड चॉइसेस, हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन कौन है, इनकी वाइफ थी या है, जो भी है, इनका तो चलता रहता है जो भी कुछ है, आना जाना इन लोग, ठीक है, तो वो कंसर्न नहीं है। हार्ड चॉइसेस, अब हिलेरी क्लिंटन भी भाई लॉकडाउन में फंसी हुई थी भाई, एज अ वाइफ, ये भी तो वाइफ है, ये वाइफ है इनकी, मैं कहानी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाइफ है इनकी, तो भाई हार्ड चॉइसेस इनके पास, अब मैं क्या करूं, घर संभालूं या मैं भी वर्क पे जाऊं, भाई बैक टू वर्क, बिल क्लिंटन ने तो अपना डिसीजन ले लिया, ठीक है, हिलेरी क्लिंटन क्या इनके पास हार्ड चॉइसेस है भाई, मेरे पास ज्यादा, मेरे पास, मैं फंसी हुई हूं, या तो मैं घर संभालूं या ऑफिस जाऊं, काम करूं, क्या करूं मैं, तो मेरे लिए हार्ड चॉइसेस है भाई, हार्ड चॉइसेस,
क्या है मेरे पास, हार्ड चॉइसेस। ठीक, तो हार्ड चॉइसेस किसने लिखी, हिलेरी क्लिंटन ने लिखी, बैक हुआ बिल क्लिंटन ने। हार्ड चॉइसेस है मेरे पास, काम करूं या ऑफिस जाऊं। ठीक, हिलेरी क्लिंटन। ठीक है चलो, मेघदूत अपने आप भी आप बना सकते हो कोई भी ट्रेन। मेघदूत, पंचतंत्र, पंचतंत्र, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, वाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, द इंडिया तो हो गया, तो इंडिया स्ट्रगल तो हो गया, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नव जीवन, मराठा एंड केसरी, मराठा एंड केसरी, मिरातुल अखबार एंड संवत कौमिदी, मिरातुल अखबार एंड संवत कौमुदी, एंड संवत कौमुदी। ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक, द सर्किल ऑफ रीजन, The Circle of Reason, The Three Musketeers, The Three Musketeers। ठीक है चलो भाई, कहां से लिखते हैं, मेघदूत, कालिदास, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, हुसैन हक्कानी, हुसैन हक्कानी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, मराठा एंड केसरी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मिरातुल अखबार एंड संवत कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, द सर्किल ऑफ रीजन, ये भी अमिताभ घोष, द थ्री मस्केटियर्स, अलेक्जेंडर डुमास, अलेक्जेंडर डुमास। ठीक है चलो, मेघदूत ये भी बहुत फेमस बुक है, मेघदूत कालिदास। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसा बना लो भाई, देखो कालिदास, काला याद रखो, काली, दूध, दूध कैसा होता है, सफेद, है ना,
तो काला दूध से याद कर लो, काला दूध, काला दूध, काला दूध, तो कालिदास मेघ दूध, ठीक है, ऐसे याद कर लो, काला दूध, ब्लैक कलर का दूध आपने देखा, मिल्क देखा, ब्लैक कलर का दूध देखा आपने, तो क्या हुआ, ब्लैक से याद हुआ काला, दूध से याद हुआ काली, काले से याद हुआ कालिदास, दूध से याद हुआ मेघ दूध, ठीक है, मेघ दूध किसने लिखी, कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, फेमस बुक है पंचतंत्र विष्णु शर्मा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, ये तो इतना लंबा नाम है वैसे ही आपको याद हो जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, हुसैन हक्कानी, ठीक है भाई, हुसैन हक्कानी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया इंडिया और पाकिस्तान हम लोग आपस में दोस्त क्यों नहीं रह सकते, ठीक है, तो इतनी सिंपली है, वैसे भी ऐसे याद हो जाएगा, इतना लंबा नाम है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे, तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये क्या करना चाहते थे, मैं कहानी लगा रहा हूँ आप इसको असलियत में मत लेना, ठीक है, दादा के ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे और क्या करना चाहते थे, पुअर्टी इंडिया से रिमूव करना चाहते थे और ब्रिटिश रूल को अन ब्रिटिश रूल करना चाहते थे, मतलब ब्रिटिशर ब्रिटिशर्स का खात्मा करना चाहते थे, ब्रिटिश रूल का खात्मा करना चाहते थे, ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का खात्मा नहीं, ब्रिटिश रूल का, है ना, तो दादा भाई नौरोजी जो थे इंडिया की पुअर्टी को खत्म करना चाहते थे और ब्रिटिश रूल को अन ब्रिटिश रूल करना चाहते थे, मतलब ब्रिटिश रूल खत्म करना चाहते थे, ठीक है, तो गरीबी से याद हुआ पुअर्टी, ब्रिटिशर्स को खत्म, रूल खत्म, ब्रिटिश रूल खत्म करने के लिए हुआ अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, इंडिया के अंदर पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल खत्म करना चाहते थे, तो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। हरिजन, हरिजन यंग इंडिया एंड नवजीवन, देखो महात्मा गांधी ने हरिजन के लिए भी बहुत काम किया है, यंग और क्या नाम है, यंग इंडिया के लिए, यानी कि युवाओं के लिए भी काम किया है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, हरिजन के लिए भी काम किया है, यंग और युवाओं के लिए भी काम किया है, यूथ के लिए, उनको एक नया जीवन देने के लिए, एक तरीके से हरिजन और यूथ को एक नया जीवन देने के लिए बहुत काम किया है, तो इससे आप याद रखो किसने किया है, महात्मा गांधी ने किया है, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन। मराठा एंड केसरी, मराठा एंड केसरी, ठीक है भाई, आप ऐसे याद रखो, पराठा विद केसर, ठीक है, ऐसे याद कर लो भाई, केसर के साथ पराठा चाहिए मुझे, और क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक ने ये लिखी है, इस तरीके से केसर के साथ पराठा, इस तरीके से याद करो, बाल गंगाधर तिलक, तो वहां गंगाधर नाम के रेस्टोरेंट ओनर हैं, मैंने उनसे कहा भाई मुझे आपके पास पराठा विद केसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई गंगाधर नाम के वहां कौन है, एक रेस्टोरेंट ओनर है, ठीक, तो ऐसे याद कर लो, पराठा एंड केसर, पराठा विद केसर, तो मराठा एंड केसरी, बाल गंगाधर तिलक। मिरतुल अखबार एंड संवत कौमिदी, मिरतुल अखबार एंड संवत कौमिदी, ठीक है, ये अखबार है, एक अखबार से याद रखो कि भाई एक कॉमेडी का अखबार है, मैं रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ याद कराने के लिए, ठीक है, कॉमेडी कॉमेडी वाला अखबार है जिसमें एक जोक्स वगैरह कुछ आते हैं, अखबार से मिरतुल अखबार, कॉमेडी से संवत कॉमेडी, ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम उसके ओनर है, राजा राम ओनर है, और एक एक उनके पास मोहन नाम का क्या नाम है कस्टमर गया, राजा राम के पास मोहन नाम का एक कस्टमर गया, उन्होंने कहा कि मुझे भाई कॉमेडी वाला अखबार दे दो, भाई कॉमेडी वाला अखबार दे दो, उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं है तुम्हारे पास तो मैं रोऊंगा बैठ के, भाई रॉय रोने से याद होगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं रोऊंगा, रॉय रोए, ठीक है, राजा राम मोहन रोए, ठीक है, मोहन जो थे राजा राम के पास गए, उन्होंने कहा मुझे कॉमेडी वाला अखबार दे दो, क्या मेरे पास तो नहीं है भाई, तो इन्होंने कहा कि फिर तो मैं रोऊंगा भाई, तो रोए, इन्होंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप रो रोए, ठीक, तो कॉमेडी से संवत कॉमेडी, अखबार से मिरतुल अखबार, आपको याद हो जाएगा, कॉमेडी वाला अखबार, मिरतुल अखबार एंड संवत कॉमेडी, ठीक है, किसने लिखी, राजा राम मोहन रॉय, कैसे याद करना है आपको, राजा राम जो थे भाई क्या नाम है, जो भी शॉप ओनर या एडिटर कह लो न्यूज़पेपर के, उस अखबार के वो थे, तो मोहन बोल रहा है कि मुझे दे दो भाई कॉमेडी अखबार, कह रहा मेरे पास तो नहीं है, खत्म हो गया भाई, तो मैं रोऊंगा, तो आप मेरा किस तरह असर पड़ता, आप रोए, तो राजा राम मोहन रॉय, इससे याद कर सकते हो आप संवत कॉमेडी, मिरतुल अखबार एंड संवत कॉमेडी, ठीक है। रिवर ऑफ स्मोक
द सर्किल ऑफ रीजन, द सर्किल ऑफ रीजन। ठीक है भाई, अमिताभ घोष ने लिखी है दोनों बुक्स। तो रिवर, रिवर है, ठीक है, एक नदी है वहां पे, रिवर ऑफ स्मोक, वहां पे बहुत सारा धुआं फैल गया है। ठीक है, एक रिवर है जहां पर बहुत सारा धुआं फैल गया है, धुंध फैल गई है, और वही रीजन है एक सर्कुलर सर्किल, सर्कुलर वे में पॉल्यूशन फैलने का। इस तरीके से याद रखो, एक सर्किल में जैसे 5 किलोमीटर एरिया के रेडियस में एक पॉल्यूशन फैल रहा है, तो सर्किल ऑफ रीजन क्या है, रिवर का स्मोक। ठीक है, सर्किल ऑफ रीजन क्या है, रिवर का स्मोक है। ठीक है भाई, भाई एक शहर है जिसको 5 किलोमीटर एरिया के रेडियस में, रेडियस से याद रहेगा आपको सर्किल, सर्किल का क्या होता है, रेडियस। ठीक है, ट्रिक याद करो, सर्किल का रेडियस होता है। तो 5 किलोमीटर के एरिया में काफी पॉल्यूशन फैल गया है, तो भाई 5 किलोमीटर का रेडियस का जो सर्किल है उसका असल रीजन क्या है कि रिवर में स्मोक फैल गया, भाई रिवर में धुआं धुआं स्मोक फैल गया है। ठीक है, और उसको किसकी, इस रीजन को सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया, अमिताभ ने, अमिताभ घोष ने डिटेक्ट किया कि भाई जो ये शहर में सर्कुलर रीजन में जो पॉल्यूशन फैल रहा है इसका असल रीजन जो है रिवर में स्मोक है। ये किसने डिस्कवर किया, अमिताभ घोष ने, मैं कहानी बना रहा हूं, ठीक है, आप इसको असल चीज मत समझिएगा। तो सर्कुलर, सर्कुलर शहर उसमें सर्किल में से आपसे याद रहेगा, सर्किल, सर्किल ऑफ रीजन, असल रीजन आपको क्या होगा, असल रीजन, रीजन से याद होगा, सर्किल ऑफ रीजन, सर्किल और रीजन से याद हो जाएगा तो सर्किल ऑफ रीजन। ठीक है, असल रीजन क्या है, रिवर में स्मोक है भाई, रिवर में धुंध है, धुआं है, स्मोक है, तो रिवर और स्मोक याद हो जाएगी। और किसने इसे डिटेक्ट किया पहले, अमिताभ घोष ने। ठीक, तो आपको ये भी याद हो गई, द थ्री मस्केटियर्स, ये बहुत फेमस बुक है, आप ऐसे याद कर लो इसे, अलेक्जेंडर डुमास, अलेक्जेंडर डुमास, अलेक्जेंडर डुमास ने क्या लिखी है, द थ्री मस्केटियर्स। आई थिंक आज के लिए काफी है, ठीक है, मेरी एनर्जी भी बहुत लॉस हो गई ट्रिक बताते बताते। ठीक है, और देखो मेरी जहन में जो ट्रिक आ रही है मैं ऑन द स्पॉट ही बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है मैंने पहले याद कर रखी है कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ और रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें आपको याद रहेंगी, आप अपनी भी कुछ बना सकते हो, तो आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आगे भी, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा ये अच्छा खासा, बुक्स एंड ऑथर मैं अच्छा खासे कराऊंगा और आपको जितनी हो सकती है और भी याद कर लिया आप। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी बुक्स हैं और काफी हैं, तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा। मैं चाहता तो सिर्फ बुक्स एंड ऑथर लिख देता बोर्ड पे, हो जाता, लेकिन फिर ये, फिर तो आप ऐसे खुद भी पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली, फिर नया क्या होता। ठीक है, तो ये सेशन आपको समझ में आया, अच्छा लगा? यस सर। ओके, मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, ताकि इंटरेस्ट जब होता है तब चीजें अच्छे से करी जाती हैं और अच्छे से इंसान कर लेता है उस चीज को। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको बिल्कुल याद रहेंगी ये चीजें, जैसे जैसे मैंने कहानी एक दो बार अगर इस लेक्चर को आप सुन लोगे तो बहुत अच्छे से और याद होगा, फिर रिवीजन में आप सुन लेना, एटलीस्ट जब रिवीजन करो ना तो ये बुक्स वाली ट्रिक्स मतलब सुन के चले जाना, एटलीस्ट आपके जहन में जरूर रहेगी, हाँ कि ये देखो सर्किल का रीजन बताया था, कॉमेडी वाला अखबार से आपको फौरन, अब देखो चलो मैं आ गया सामने, अब बताओ कॉमेडी वाले अखबार से आपका जहन पहुंच गया वहीं पे, अखबार और कॉमेडी पे। ठीक है, यस सर। तो हाँ, अब मैं बोलूंगा भाई पराठा विद केसर चाहिए, तो आपको याद आ जाएगा मराठा एंड केसरी, ये निमोनिक्स होती है, निमोनिक्स की पावर इसी तरीके से कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है निमोनिक्स वाली चीजें, आपको ये जहन में रखनी है, आगे कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।